नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आज तक के बेहद खास शो धर्म में। आज विजयादशमी है, यानी असत्य पर सत्य की जीत का दिन, रावण पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीत का दिन। तो क्या है इस दिन की महिमा और आज किसकी करनी होगी पूजा और क्या है विजय प्राप्ति का मंत्र, आइए ये सब आपको बताते हैं। दशहरा हिंदुओं का वो प्रमुख त्योहार है जिसे हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। माना जाता है भगवान राम ने इस दिन रावण का वध किया था, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में दशहरे के दिन के कई और भी महत्व हैं। आइए आपको उन महत्वों के बारे में भी बताते हैं। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन नवरात्र की समाप्ति हो जाती है और इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। दशहरे का महत्व तो हमने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन किसकी पूजा की जाए ताकि उससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके? तो आइए आपको वो भी बताते हैं। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी, माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में सफलता मिलेगी। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता। दशहरे पर माँ की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी ये पूजा अद्भुत होती है। नवरात्र के दिनों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको पहले भी दे चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि नवरात्र का समापन कैसे किया जाना चाहिए। पहले देवी की और फिर भगवान राम की पूजा करें। पूजा करने के बाद देवी और श्री राम के मंत्रों का जाप करें। अगर कलश की स्थापना की है तो नारियल हटा लें, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। कलश का जल पूरे घर में छिड़क दें ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। जिस जगह पूरे नवरात्र पूजा की है उस स्थान पर रात भर दीपक जलाएं। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो शस्त्र पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। दशहरे को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दिन विजय प्राप्ति का दिन है। तो चलिए आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताते हैं जिससे आप विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीयम रामम जयम रामम दुर्जयम राममीर्ये त्रयोदशाक्षरो मंत्रः सर्वसिद्धिकरः स्थितः। तो विजय प्राप्ति के इस मंत्र का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन की हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परम शक्तिशाली और परम ज्ञानी रावण पर राम की जीत कैसे हुई संभव और आज के इस पावन मौके पर आपको कैसे मिल सकता है विजय का वरदान, आज इसकी सरल विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो किसकी पूजा से होगा कल्याण और क्या होगी पूजा की विधि, आइए अब आपको बताते हैं। जिस दिन असत्य पर हुई सत्य की जीत, जिस दिन अच्छाई से हारी बुराई, जिस दिन पुण्य ने किया पाप का नाश, मंगल भवन अमंगल, उस विजयादशमी पर पाए विजय का वरदान। दशहरे का दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर विजय प्राप्ति के लिए उपाय किए जाएं
तो इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। दशहरा यानी विजयदशमी को शक्ति के पर्व के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा इस दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा निकाला करते थे। तो यदि आप भी इस दिन कुछ विशेष उपाय करें तो आपको भी जीवन में विजय की प्राप्ति हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस दिन किसकी पूजा से हो सकती है विजय की प्राप्ति। कहते हैं विजयदशमी के दिन भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध किया था और परम ज्ञानी परम बलशाली रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने सबसे पहले नवरात्रों में देवी की पूजा समुद्र तट पर की थी और 10वें दिन विजय प्राप्ति के लिए लंका प्रस्थान किया था और विजय प्राप्त की थी। तो माँ की पूजा से आप भी पा सकते हैं जीवन में विजय का वरदान। तो कैसे करनी होगी उपासना, आइए आपकी राशि के अनुसार बताते हैं। मेष राशि के लोग विजयदशमी के दिन देवी के लाल फूलों से उपासना करें। विजय प्राप्ति के लिए वृषभ राशि के लोग सुगंध से देवी की उपासना करें। इस दिन सिर्फ देवी की उपासना से ही नहीं बल्कि श्री राम की आराधना भी आपके मनोकामना की पूर्ति कर सकती है, आपको जीवन में विजय दिला सकती है। तो मिथुन राशि के लोग विजयदशमी के दिन भगवान राम को तुलसी दल अर्पित करें। कर्क राशि के लोग विजय की प्राप्ति के लिए विजयदशमी को भगवान राम को पंचामृत अर्पित करें। सिंह राशि के लोग देवी को गुड़ का भोग लगाएं। कन्या राशि के लोग विजय प्राप्ति के लिए देवी को पीले फूल अर्पित करें। तुला राशि के लोग विजयदशमी को विजय प्राप्ति के लिए भगवान राम को फूल माला अर्पित करें। वृश्चिक राशि के लोगों को देवी की कपूर से आरती करने पर विजय की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि के लोग भगवान राम को हल्दी का तिलक लगाएं। नौ राशियों के लोगों को दशहरे के दिन क्या करने से होगी जीवन में विजय की प्राप्ति, ये तो हमने आपको बता दिया। आइए अब आपको बची हुई तीन राशि के लोगों के बारे में बताते हैं। मकर राशि के लोग देवी को सुगंध अर्पित करें। कुंभ राशि के लोग देवी के सामने दीपक जलाएं। आखिरी राशि यानी मीन राशि के लोग अगर विजयदशमी को भगवान राम को पीली मिठाई अर्पित करें तो उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें विजय मिल सकती है। विजयदशमी के पावन मौके पर विजय की प्राप्ति के सबसे सरल उपाय हमने आपको बताए, तो आप इस मौके का लाभ उठाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। आगे आपकी और दो बड़ी समस्याओं का करेंगे समाधान। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धर्म। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है धर्म में। आज विजयदशमी के पावन मौके पर हम आपकी समस्याओं का समाधान आपको बता रहे हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में कैसे मिलेगी आपको सफलता और कैसे मिलेगी विजय, इसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। आइए अब आपको बताते हैं वो सरल विधि जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति के रास्ते आसान होंगे और बिगड़े हुए रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे। दशहरा को किसी भी नए और अच्छे काम की शुरुआत के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान भी इस शुभ दिन में किया जा सकता है। तो आइए दशहरा पर आपकी किन समस्याओं का समाधान हो सकता है इसके बारे में बताते हैं। पैसा हर इंसान की जरूरत है, तो ऐसे में अगर आप पैसों से जुड़ी किसी भी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो दशहरे के शुभ मौके पर इसका उपाय भी किया जा सकता है। तो कैसे करें उपाय, आइए जानते हैं। दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसमें जल डालते रहें। पौधे के निकट हर शनिवार को संध्या काल में दीपक जलाएं। आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। दशहरे के पावन मौके पर आप नए रिश्तों की शुरुआत तो कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप किसी से अपने बिगड़े हुए रिश्ते को भी सुधारना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए फलदायी दिन साबित हो सकता है। आइए इसके लिए क्या करने होंगे उपाय ये आपको बताते हैं। नवरात्र में बोए गए जौ के हर एक कोपल ले लें। जिस व्यक्ति से आपको रिश्ते ठीक रखने हैं या बनाने हैं उसके हाथों में जौ की ये कोपले दे दें।
आपके बिगड़ते हुए रिश्ते भी बनने लगेंगे। लेकिन गलत भावना से किसी से भी रिश्ते जोड़ने की कोशिश ना करें। दशहरा के शुभ मौके पर ये कुछ छोटे प्रयास आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। बस जरूरत है सही विधि से इन प्रयोगों को करने की, फिर आपके जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। धर्म के आज के एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में बात होगी धर्म से जुड़े किसी और विषय की। आप देखते रहिए आज तक।